मैं मुकेश सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास प्लस वन मैथमेटिक्स, जो कि है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो हम करने वाले हैं। करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको इक्वेशन दी होगी और उसे क्या करना है, सोल्व करना। इक्वेशन कैसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसकी पावर 2 हो वो दी होगी और आपको उसे सोल्व करके देना है। बहुत आसान से काम है दोस्तों। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि हम एक 10th क्लास वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। 10th वाला फार्मूला ये आपको आता है दोस्तों, अगर आपके पास में कोई एक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसमें जो एक्स के वैल्यूज निकलते थे या इसका सॉल्यूशन जो निकलता था वो होता था आपके पास माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा इतना। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये कहता है। इसे आप क्या करिए, सोल्व करिए, बहुत आसान काम है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सम को करने के दो तरीके हैं। पहले आपको शॉर्टकट करवाता हूँ, फिर फार्मूले वाला। देखिए शॉर्टकट करते हैं, क्या करेंगे आप दोस्तों, ये आपके पास में गिवन इक्वेशन है तो इसको तो आप लिख ही लिया करेंगे कि ये क्या है आपके पास में गिवन है। ओके, यहाँ से दोस्तों थ्री को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास में माइनस का थ्री। फिर यहाँ से दोस्तों जब हम रूट स्केयर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपके पास में, रूट लग जाएगा, यानी प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का थ्री आ जाएगा। अच्छा, जब भी दोस्तों आपके पास में रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, आयोटा। ये इसका क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन। ये तो हो गया तीन स्टेप का सॉल्यूशन, लेकिन हर सम में ये मेथड नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड मेथड सीख लेते हैं, अल्टरनेट मेथड भी कह दो चाहे, ठीक है, अल्टरनेट मेथड। कैसे करेंगे हम इसको, बिल्कुल आसान है। दी हुई इक्वेशन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर करिए दोस्तों इसको, किसके साथ कंपेयर करोगे आप लोग, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ओके, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वन है। ओके, बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म ही नहीं है, यानी बी क्या है आपके पास, जीरो है। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास में, थ्री आ जाएगी। ये इसका क्या है, वैल्यू निकल के आई है। अब आपने वो वाला फार्मूला यूज करना है, तो एक्स आपका किसके बराबर होता है दोस्तों, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए। वैल्यू रखिए माइनस बी, माइनस बी का मतलब दोस्तों माइनस का जीरो, प्लस माइनस जीरो, बी की वैल्यू रख दी जीरो, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में कितनी, जीरो, माइनस फोर ऑफ ए, ए की वैल्यू है आपके पास में वन और सी की वैल्यू है थ्री डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए, यानी टू इंटू वन। वैल्यू रखिए जस्ट, अब आप इसको सोल्व कर दिए, जीरो का तो कोई फंडा ही नहीं है दोस्तों, तो प्लस माइनस अंडर द रूट कितना आ गया, ट्वेल्व आ गया, नीचे कितना आ गया दोस्तों, टू आ गया। अब आपको 12 के फैक्टराइजेशन करने हैं दोस्तों, 12 के फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ओके, ये आपने फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यानी आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके, लिख दिया। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेयर में है, 2 इंटू 2 आया है, तो यानी 2 बाहर आ सकता है, अंदर बच गया दोस्तों। अच्छा, ये माइनस का था भाई, ये क्या था आपका, माइनस का था, तो इसके साथ अंदर बच गया दोस्तों अंडर द रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, अंडर द रूट, अच्छा प्लस माइनस भी था, इसको भी ना भूलिए, प्लस माइनस था, प्लस माइनस थ्री आयोटा, रूट थ्री आयोटा। आयोटा क्यों आया, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो आपका क्या लगाना पड़ता है, आपको आयोटा लगाना पड़ता है। ये इस एक्सरसाइज का दोस्तों मेन मोटिव है, आप लोगों से भी एक इक्वेशन जिसके कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हो तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, ये इस एक्सरसाइज का मोटिव है, उद्देश्य है, ठीक है। अब हम करेंगे दोस्तों बाकी के सम। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जिसमें कि एक इक्वेशन दी है आपको, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और कहता है इसको आप सोल्व करिए।
तो सबसे पहले तो आप दोस्तों इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ लिखोगे इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से 2 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज होती हैं दोस्तों, वो या सॉल्यूशन कैसे निकलता है आपका, माइनस का बी फार्मूला आपको बताया था मैंने, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4 ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए। यहाँ पे अब हम दोस्तों क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, रखिए माइनस ऑफ बी। माइनस बी का मतलब है, या यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने में आसानी हो जाएगी, माइनस बी, बी की वैल्यू है दोस्तों 1, माइनस करना है इसलिए माइनस का आ गया, अंडर द रूट बी स्केयर, बी का स्केयर यानी दोस्तों 1 का स्केयर। ओके, माइनस 4 ऑफ ए सी। ओके, 4 ए सी, 4 इंटू 2 इंटू सी, सी की वैल्यू है दोस्तों 1, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए यानी 2 इंटू 2। इतना समझ आ गया, अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आएगा दोस्तों 1 माइनस 8 यानी माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 इंटू 2 4 आ जाएगा आपके पास। उम्मीद है इतना समझ आ गया आपको, वैल्यू निकल के आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 7। अब अंडर द रूट 7 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस हटा देता हूँ रूट से और इसके साथ क्या लगा देता हूँ, आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये कि आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है दोस्तों, सारा लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये लाइनें तो आपने लिखनी है ऐसे कंपेयरिंग विद वाली। ठीक है, आप इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, फिर से लिख रहा हूँ वैसे तो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ओके, सोल्व करिए। फार्मूला क्या होता है आपके पास में एक्स की वैल्यू का, वो होता है दोस्तों आपके पास माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4 ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए। ओके, वैल्यू रखनी है दोस्तों हमें, ये रख दीजिए, बिल्कुल आसान है। माइनस बी यानी माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्केयर, बी बी का स्केयर यानी दोस्तों 3 का स्केयर यानी 9, माइनस 4 ऑफ ए सी, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9, ओके, बाय 2 ऑफ ए। लिख दिया दोस्तों आपने, याद रख, समझ आ गया। इसको अब हम और सोल्व करके लिख देते हैं फर्दर, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4, 9 जा 36। ओके, तो ये बच जाएगा आपके पास में अंडर द रूट 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ हमने रखी नहीं, ए की वैल्यू थी आपकी 1, यानी 2 इंटू 1 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये माइनस का 27 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर देते हैं दोस्तों। जब आप इसके रूट निकालोगे, जो 27 होता है, 27 क्या होता है दोस्तों आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3, और अंदर क्या होता है आपके पास में माइनस है, ओके जी, डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप इसमें से क्या करोगे, माइनस 3 प्लस माइनस, ओके, और 3 कॉमन ले लीजिए, यानी बाहर आ जाएगा रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस माइनस को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे। ये इसके क्या आ गए हैं, सोल्यूशन आ गए। नेक्स्ट बढ़िए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपको, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। ठीक है, अब आप इसे क्या करिए, कहता है सॉल्यूशन निकालिए। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू है आपके पास माइनस 1, बी की वैल्यू है प्लस 1, सी की वैल्यू है माइनस का 2। वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, क्या तरीका है हमारे पास, वो तरीका ये है, आपके पास जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4 ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए। वैल्यू रख दीजिए आप लोग यहाँ पे, माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 माइनस 4 ऑफ ए सी, 4 ए सी, ओके, माइनस 4 ए सी करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए, ए की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 1। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा,
इसकी वैल्यू आप यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, रख दीजिए माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट, माइनस का वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर रूट के अंदर माइनस हो तो उसे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, आयोटा लिख देंगे, वन आयोटा, यानी रूट वन का रूट कितना, ये अंडर द रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा, बस ये लिख दिए डिवाइडेड बाई टू, क्या आ गया आपके पास में आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट सम में आपने क्या करना है दोस्तों, सेम यही फार्मूला लगाना है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में वन है, बी की वैल्यू कितनी है थ्री है, और सी की वैल्यू आपके पास में क्या है फाइव। तो सोल्व कर दो दोस्तों इसको, वैल्यू में फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का बी यानी माइनस बी की वैल्यू तो माइनस थ्री आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर थ्री का स्केयर नाइन, माइनस फोर ऑफ ए सी, फोर ए, ए है वन, सी है दोस्तों आपके पास फाइव यानी माइनस ट्वेंटी, ओके नाइन माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए, टू ए करेंगे तो दोस्तों टू आ जाएगा, वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस ये आपके पास में बच जाएगा दोस्तों अंडर द रूट माइनस इलेवन डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस थ्री प्लस माइनस रूट इलेवन आयोटा डिवाइडेड बाई टू, ये क्या है दोस्तों आपका आंसर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके पास में सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको उसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आप कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सिंपल है, एक कंपेयर जब करोगे ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस का वन, और सी की वैल्यू आएगी आपके पास में टू, तो वैल्यू निकालिए, क्या तरीका लगाओगे दोस्तों वैल्यू निकालने के लिए, वही फार्मूला, ठीक है, क्या निकलेगा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए सी वाला, ठीक है, फोर ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई टू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए कितना आएगा, माइनस का बी यानी माइनस माइनस प्लस वन अंडर द रूट बी स्केयर माइनस वन का स्केयर प्लस का वन माइनस फोर ऑफ ए सी, फोर ऑफ ए सी की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, क्या कीजिए फोर इंटू वन फोर इंटू टू करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा एट यानी माइनस का एट डिवाइडेड बाई टू ए, टू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों वन है तो टू ही आएगा आपके पास में, वैल्यू रख दीजिए, जस्ट सिंपल है दोस्तों आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, जस्ट आपकी फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, वन प्लस माइनस अंडर द रूट सेवन ऑफ आयोटा, आयोटा क्यों लगा, क्योंकि इसके साथ क्या आया हुआ है दोस्तों रूट के अंदर माइनस आया हुआ, बस सिंपल है। नेक्स्ट देखिए सेवन सब, ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों आपके पास में रूट टू आएगी, बी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपके पास वन आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में रूट टू आएगी, फार्मूले में रखिए दोस्तों, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू निकालने का फार्मूला, माइनस का बी यानी माइनस का वन, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर यानी वन का स्केयर दोस्तों वन ही आएगा, वन का स्केयर लिखने की जरूरत है नहीं है, माइनस फोर ऑफ ए सी, फोर ए, ए की वैल्यू है दोस्तों रूट टू, और सी की वैल्यू भी कितनी है रूट टू, रूट टू और रूट टू तो क्या हो गया दोस्तों टू हो गया, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में एट आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू ऑफ ए, टू ऑफ ए यानी दोस्तों टू इंटू रूट टू, वैल्यू देख लीजिए क्या आ जाएगी आपके पास वन प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का सेवन डिवाइडेड बाई टू रूट टू। अच्छा यहाँ से जब रूट से हम माइनस हटाएंगे तो साथ में क्या लगा देंगे आयोटा, सिंपल सम है दोस्तों। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, आपको इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे रूट थ्री, बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास माइनस रूट टू, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास थ्री रूट थ्री। अब आप क्या कीजिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर, रूट टू का माइनस रूट टू का स्केयर करोगे दोस्तों टू आएगा, माइनस फोर ऑफ ए सी, ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए फोर ऑफ ए सी की, ए सी की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ए की वैल्यू है रूट थ्री और सी की वैल्यू है थ्री रूट थ्री, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आपके पास रूट थ्री और थ्री तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन, फोर इंटू नाइन यानी थर्टी सिक्स, ओके यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ दोस्तों कितनी 36 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए, ओके। अच्छा बी की वैल्यू लिखी नहीं है यहाँ पे, बी की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में माइनस का रूट टू, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का रूट टू डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए है, 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 इंटू रूट थ्री, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है दोस्तों आप इसे खुद सोल्व कर लेंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ दोस्तों, फिर आपको यहाँ गड़बड़ आ जाए, कहीं रूट वाले नंबर आ गए आप कह सकते हो सर की गड़बड़ आ रही है, तो रूट टू प्लस माइनस टू माइनस ये करेंगे दोस्तों आपका आएगा माइनस का 34 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपके पास में टू रूट थ्री, ओके। अब जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों जस्ट आपने यहाँ से रूट हटाना है, ठीक है, यहाँ से क्या करना है रूट हटा दीजिए, ठीक है, रूट हटाए
सॉरी रूट के अंदर से माइनस हटा दीजिए तो ये आ जाएगा प्लस का 34 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ओ इंटू रूट 3। अब देखिए रूट नीचे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, तो हम इसको रूट थ्री से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और रूट थ्री से ही क्या कर देंगे डिवाइड। जस्ट अगर आप आंसर मैच करना चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा समझता हूँ कि आप लोगों के लिए संकट लेके आया होगा कि सर यहाँ पे देखो आप लोगों ने ऐसे किया होगा ए इज इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू भी कितनी 1, सी की वैल्यू आ गई सर आपके पास 1/√2। ठीक है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, तो सर फिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है रूट टू डिवाइड में है, तो पूरी इक्वेशन को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपके पास रूट टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस कितना आएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, बस यही हमने क्या करना है दोस्तों सोल्व करना है। यहाँ पे भी वो सेम फार्मूला लगा दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई रूट टू, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों आपके पास में रूट टू, सी की वैल्यू आ गई है आपके पास में 1। ओके, वैल्यू निकालिए, माइनस का बी, माइनस का बी यानी माइनस का रूट 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर, बी स्केयर यानी रूट 2 का स्केयर दोस्तों 2 माइनस 4 ऑफ ए, ए की वैल्यू है दोस्तों रूट 2, सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए, 2 ऑफ ए यानी दोस्तों 2 ऑफ रूट। वैल्यू रखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको जस्ट सिंपली सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास में रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस, अच्छा यहाँ से तो कुछ कॉमन आता नज़र आ नहीं रहा है, तो आप काम कर लीजिए कि ठीक है इसको ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए, बस ज़्यादा सोल्व ना कीजिए। 4√2 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2√2। हाँ, एक सोल्व हम कर सकते हैं, अगर इसमें से क्या ले लें दोस्तों 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए मैं पीछे वाला सब मिटा देता हूँ तब तक। ठीक है, ये देखिए कि इसमें क्या आएगा फिर, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझदारी दिखानी पड़ेगी दोस्तों, क्या कि रूट माइनस का रूट 2 है, इसमें से रूट दोनों में से 2 2 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है कॉमन नहीं नज़र आ रहा है तो मैं ले लेता हूँ, देखिए पहले ये तो 2 है ही पड़ा, दूसरे को 4 को ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों 2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय कितना है 2√2। ओके, अब वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी माइनस का रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है, तो यानी बाहर तो आ जाएगा आपके पास में रूट 2, अंदर बच गया दोस्तों 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है दोस्तों 2√2। अब क्या कीजिए, ऊपर से रूट 2 कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ले लीजिए रूट 2, यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2, 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया और यही आपका क्या होगा आंसर है। देखिए दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपको 10th दे रखा है, कहता कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट 2 प्लस 1, तो जैसा 9th सब में किया था वैसा ही इसमें करेंगे, इसके डिवाइड में क्या आ रहा है दोस्तों रूट 2 आ रहा है। दो तरीके से समझ सकते हो, या तो पूरी इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो या रूट 2 क्या ले लो एलसीएम ले लो, आपको शायद एलसीएम वाली बात ज़्यादा पसंद आए, तो आप क्या करो दोस्तों रूट 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ये रूट 2 उधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 0, तो यानी आपके पास इक्वेशन आ गया रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें क्या आ गया दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट इसको कैसे सोल्व करना है, आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख भी लेना कंपेयरिंग विद, ठीक है कंपेयरिंग विद, ठीक है मैथ में स्पेलिंग का फंडा नहीं है, नहीं दिख रहा है तो चलेगा। ठीक है, कंपेयरिंग विद, ए की वैल्यू भी नहीं आएगी रूट 2, बी की वैल्यू भी नहीं आएगी दोस्तों 1 आएगा, सी का वैल्यू भी नहीं आएगा रूट 2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4 ऑफ ए सी, ठीक है 4 AC लिख दीजिए चाहे डायरेक्ट आप, माइनस 4 ऑफ AC डिवाइडेड बाई 2 ऑफ A। ओके, वैल्यू रखिए माइनस बी यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर यानी 1 का स्केयर दोस्तों कितना आएगा 1 माइनस 4 ऑफ AC 4 A, ए की वैल्यू है रूट 2, सी की वैल्यू भी कितनी है दोस्तों रूट 2, मल्टीप्लाई रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया दोस्तों आपके पास में 2 हो गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, यानी 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए, ए की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में रूट 2, तो सोल्व कर दीजिए माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का
सेवन ओके डिवाइडेड बाय टू रूट टू ओके। अब दोस्तों क्या है, इसका रूट हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम रूट के अंदर जो माइनस है उसको हटाएंगे तो इसके साथ क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर भी कोई संकट समस्या परेशानी रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।